भारतीय क्रिकेट बोर्ड का एशिया कप 2023 में पाकिस्तान आने से इनकार। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बड़ा बयान सामने आ गया। जय शाह के बयान को हैरत ज़दा करार दे दिया। तर्जुमान पीसीबी ने एलामिया जारी किया है, जिसमें मायूसी जाहिर करते हुए कहा गया है कि ये बयान एसीसी बोर्ड या पीसीबी से मुशावरत के बगैर दिया गया। जय शाह का पाकिस्तान से इवेंट मुंतकली का बयान यकतरफा है। तर्जुमान पीसीबी ने कहा कि एसीसी सदर जय शाह के इस बयान से 2023 में भारत में शेड्यूल वर्ल्ड कप और 2024 से 2031 तक शेड्यूल आईसीसी के इवेंट्स में पाकिस्तान की शिरकत पर असरात लागू हो सकते हैं। इवेंट के लिए पाकिस्तान न आना आईसीसी एसीसी को तकसीम करने के मुतरादिफ है। पीसीबी ने एसीसी से हसास मामले पर हंगामी इजलास की दरख्वास्त भी कर दी। एक बार फिर नंबर वन बोल न्यूज ने एक बार फिर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। चंद्र सुल्तान राजा साहब ने मियां नवाज से राब्ता किया और उनसे पूछा कि मेरे लिए क्या हुक्म है। बोल का प्रोग्राम अब पता चला। लाहौर के अस्पतालों में भी मसीहा नहीं फिरौन बैठे। शाम 7 बजे की स्लॉट में सबसे ज्यादा देखा गया। 65% सार्फीन ने सिर्फ बोल देखने का इंतखाब किया। खून हल्का हवलदार का ही होता है, पुलिस के खिलाफ तो न जाने कितने प्रोग्राम्स हैं। क्योंकि बोल है नंबर वन। सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़े पैनलिस्ट, हमने तो बड़ी PMLN के वार सहे, वो भी बिला वजह। सबसे ज्यादा रिपोर्टर्स, इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई इंतजाम इतने अच्छे तरीके से नहीं किए गए। बोल की रिवायत, सबसे पहला नतीजा। अहम खबर है, बहावल नगर भी कप्तान का PTI कामयाब। मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सिर्फ बोल न्यूज पर। लम्हा बा लम्हा इलेक्शन की खबर सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।